मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी बस ठीक ही हूँ। बेसिकली कल मैं आया था यहाँ पे सलीनस में, आपको मैंने जैसे बताया था एक लोड मैंने पिकअप करना था यहाँ से, तकरीबन 25-30 माइल पे था वो, पहले पिकअप करना था, वाटरमेलन्स थे। तो अभी मैं यहाँ पे आया था दूसरा लोड पिकअप करने के लिए। कल शाम को 5 बजे चेक इन किया था शाम को, और सपोज टू बी मुझे जो बताया गया था डिस्पैचर ने बोला कि जी ये तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, बस तू जाएगा, तुझे लोड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे बोला कि जी टाइम लगेगा आपको, हम रात को लोड करेंगे ये वो ना, तो आप पार कर लें जाके। खैर मैं अचानक अभी जाके बैठा, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, जिसको कहते ना पंजाबी में कंब कंब के बुखार चढ़ना, लिटरली भी मेरा जिस्म इतना को टूटा, इतना को बुखार। खैर आई एम वैक्सीनेटेड, मैंने पहले से अपनी वैक्सीनेशन दोनों डोजेज मुझे लगी नहीं है, ऑल गुड। लेकिन बहुत मेरी तबीयत खराब हुई कल यार, इतना बुखार आया। मेरा हालांकि मेरा दोस्त आया था विक्टर, उसे टायर भी बेसिकली टायर मेरा जो था ना वो टायर भी फटा हुआ था साइड से थोड़ा सा, जो उन्होंने मुझे नहीं बताया जहाँ से पहले रिपेयर कराया। टायर पर ब्रांड न्यू डालना पड़ा, उसके साथ उसकी एक लाइन लीक थी, लाइन उधर रिपेयर कर दी, एक छोटा सा सेंसर है, अब वो सेंसर नहीं मिल रहा था, तो फुली आज विक्टर आके डालेगा सेंसर। तो विक्टर की दोस्ती है अपना, उसको मैं कॉल करूँगा आज, आपसे मिलाऊँगा भी उसको मैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम मेरी तबीयत खराब होगी, जिसकी वजह से कोई वीडियो भी नहीं बना सका मैं, कुछ भी नहीं। मेरा प्लान था मैं दिखाऊँगा कैसे टायर चेंज होता है, क्या कुछ होता है, लेकिन यार मुझे बुखार इतना आ गया। मैं कल बस दवाई खा गई है, मैंने गर्म पहनी है, और सोचें कि गर्मियाँ चल रही हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर भी मैंने एक जैकेट पहनी थी, सॉक्स पहने, ट्राउज़र पहना गर्म, और ऊपर मैंने इतना मोटा ब्लैंकेट लेके मैं सोया हूँ ताकि पसीना आए, और ओवरनाइट पसीना आया, तबीयत मेरी तो कुछ बेहतर हुई है, लेकिन इट वॉज रियली लाइक बैड। तो बस अभी इन्होंने मुझे भी कॉल की है, और अभी बज रहे हैं जी सुबह के तकरीबन 7:15, अभी मैं आगे यहाँ पे खड़ा हूँ, और अभी इन्होंने मुझे लोड करना शुरू किया है। तो होपफुली विद इन एन आवर यहाँ से निकलूँगा मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और मेरा प्लान ये है कि मैं घर पे रुकूँगा, घर से फूड पकड़ना यार, खाने पीने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, तो खाना पीना बहुत ज़रूरी है यार, बाहर का खाना नहीं खाया जाता मेरे से। मौसम अभी सुबह सुबह दिन चढ़ रहा है, ये सात सारे खेत बेसिकली ये सात सारे वाटरमेलन लगे हुए हैं यहाँ से उतार के, और ये फैसिलिटी कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे ये लेके आते हैं, और यहाँ पे सारा ही रखते हैं। तो ये सारे ट्रक लगे हुए हैं, कई रात को लोड हो गए हैं, कई लोड हो के वेट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आवर्स का सिस्टम होता है, आवर्स के साथ आप निकलते हो। तो बस ऐसा ही है भाई, कुछ भी नहीं खाया, मैं सोडा भी लाया था, ये पूरे का पूरा भरा हुआ है, यकीन करो पूरा भरा हुआ है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे से पी ही नहीं गया। तो फुली रात को भी दवाई खाई थी, भी दवाई खाऊंगा ताकि मैं चला सकूं। तो दिस इज़ अ लाइफ फॉर ट्रकर, कि जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, आपने काम करना ही करना है। तो आई नो कि मेरी वीडियो का जो साउंड है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसका माइक ऑर्डर किया हुआ है, तो अभी तक घर पर नहीं आया। अगर होपफुली मेरे जाते तक आ गया तो ठीक है, ले लूँगा मैं, नहीं तो माइक मैं लेने की हूँ। मैं एज सून एज पॉसिबल ऑर्डर तो कर दिया, मैं अगर घर पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ASAP एज सून एज पॉसिबल मैं माइक अपना लूँगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो है वो आवाज़ अच्छे तरीके से आ सके। तो होपफुली जी यहाँ से निकलते हैं, फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको फिर क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो स्टे करेक्ट, देखो जी की हाल बनया पाया, स्केल कराने आया वा, तो लोग देखो तुम ए ला के स्केल वाली लाइन के लगा के अंदर स्टोर च गए ने, बंदा पूछे यार कि तुसी स्केल वाली लाइन है तुसी, बस यार हाँ जी ये कई बार बंदा एग्रीवेट हो जाता है। हुण मैं ऑलरेडी लेट हाँ, मैं निकलना वे, लेकिन हुण पिछले तकरीबन 15 मिनट तो मैं वेट कर रहा वहाँ कि एक भी ट्रक नहीं मूव होया, एटलीस्ट एक ट्रक मूव हो जाए तो मैं स्केल कर लवा, जिथे बोर्ड लगा इतने आके मैं स्केल करनी है।
ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਏ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਵ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੀਪ Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and ace. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. Yeah, they can't you be. बेसिकली ये ऐसी एक हिल है ये एले जब आप बेकरस फील्ड हो गया सैक्रामेंटो हो गया या सलीनस हो गया उतो तुसी जो भी जाते हो अपना एले नू ते रस्ते दे विच हिल पैंदी है ते ये हिल जेड़ी है ना वड्डे वड्डे ट्रकां दा जूस कढ देंदी है मेरे को इस टाइम आलमोस्ट 43,000 पाउंड तो उपर दा वेट है ते ट्रक दियां बाह 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 होई पई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੂੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂ ਵੇਖੇ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਐਸ ਐਮ 35 ਦੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਐਕਸਲ ਨੇ ਉਹ ਸਲੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਦੇਖਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਟਰ ਹਾਫ ਮਾਈਲ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਕੂਲੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਸੜਕ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈਆ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈਏ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਫਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਿਲ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੂ ਛੂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਤਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7% ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹਿੱਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋ ਗੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 7 ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਲੋ ਟਰੱਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ Don't try and make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਅਭੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੂੰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ
और एरिजोना पहुंच के तो बस अभी नींद करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन रात के 1:45 हो चुके हैं, 2 ही कह लें आप। आपको पता मैं सुबह निकला था तकरीबन 9 बजे, तो टू मच टायर्ड। अभी बस ये रोड के साइड में मुझे थोड़ी सी जगह मिली है, बस लगा दी इधर। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनसे इनकरेजमेंट मिलती है। और अगर आपका दिल करता तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। On record, off record, I still want to act, not the ghost.